इस बीच भदोही से बड़ी खबर सामने आई। उसके अनुसार ने आपको बता दें कि जहर खुरानी के शिकार हुई हैं 7 महिलाएं और 2 बच्चे भी जहर खुरानी का शिकार हुए। आपको बता दें कि बेहोशी की हालत में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आपको बता दें कि यहां पर 3 सोने की चेन और जेवरात लेकर बदमाश जो है वो फरार हो गए। मामले की जांच में पुलिस अब जुट चुकी है। गोपीगंज कोतवाली इलाके का पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार के लोग जो है वो जहर खुरानी के शिकार हुए हैं। और जहर खुरानी के शिकार होने में आपको बता दें कि बच्चे भी जो है वो भी हैं, 7 महिलाएं और 2 बच्चे, यानी कि कुल मिलाकर करीब 9 लोग जो हैं वो जहर खुरानी का शिकार हुए हैं। बेहोशी की हालत में सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, सभी का इलाज जारी है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या पूरा मांजरा था, कौन लोग थे, किस तरीके से ये पूरी चोरी हुई है। तो आपको बता दें कि 3 सोने की चेन जो है वो बताई जा रही है गायब, और साथ ही आपको बता दें कि कई जेवरात जो है उनके भी गायब होने की खबर यहां पर सामने आ रही है। तो बड़ी अपडेट आपको देते हैं भदोही से जो इस वक्त सामने आ रही है। जहर खुरानी का शिकार यहां पर 7 महिलाएं 2 बच्चे हुए हैं।